होती है। देखिए भाई दोस्तों, आप लोगों के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया कीजिए। यानी कि इस पूरे सेटअप से वो चिप्स या कुरकुरे बना सकते हैं, एक लघु उद्योग अपना शुरू कर सकते हैं। करने वाले के लिए सर बहुत कुछ है करने को, और हम दिखाने ही आए हैं, करना ना करना आपके ऊपर है। तबीयत चाहिए, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को पवन कुमार सिंह का प्यार भरा नमस्कार, और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ पूर्णिया के धरती पर, माधोपाड़ा में हूँ इस वक्त। जी हाँ, अंतिम वीडियो में आपने देखी थी, लास्ट वीडियो में तेजो प्लास्ट इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो इसी जगह पर थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा यहाँ मशीनों के अलावा बहुत कुछ है। मैंने पीछे पता किया कि तेजस्वी सर कहाँ हैं, तो देखिए मिलिए तेजस्वी सर यहाँ हैं। तेजस्वी सर केवल मशीन ही नहीं बनाते, बहुत कुछ करते हैं। नमस्कार। तो सर ये पूरा बड़ा सा कैंपस है आपका तेजो प्लास्ट इंडिया का, तो मशीन तो मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। जी जी। तो इसमें क्या क्या हो रहा है अभी? यहाँ अभी विजय प्रकाश जो छोटा भाई हुआ मेरा, ये भी हॉर्स राइडिंग का क्लास स्टार्ट कर रहा है, ताकि नॉर्थ बिहार में कहीं ये चीज नहीं है। जो भी बच्चे हैं या जो सीखना चाहते हैं और आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हॉर्स राइडिंग का क्लास बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तेजस्वी जी जो हैं यहाँ पे तेजो प्लास्ट हॉर्स इंडिया स्कूल भी खोल रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये चीज है, ये होनी चाहिए। सर आपका परिचय? मेरा नाम विजय प्रकाश हुआ। तो हॉर्स राइडिंग आप ही सिखाएंगे? जी हम ही सिखाएंगे बच्चों। तो कब चालू होने वाला है? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, पूर्णिया को नया तोहफा मिलने वाला है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे खूबसूरत बात ये है सर कि ये जो है आपका कितने बड़ा कैंपस है, ये जमीन कितनी है टोटल? अप्रोक्स लेके चलिए 20,000-30,000 स्क्वायर फीट। और इसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारी बागवानी भी आपने की है और मुर्गी पालन भी किया है थोड़ा। हाँ, थोड़ा नेचर से करीब। चलिए बहुत कुछ है, लेकिन सर आज बात करेंगे फिर कुछ नए मशीनों के बारे में। एकदम एकदम आइए, क्योंकि दर्शकों का बहुत प्यार मिला और उन्होंने बोला कि और कुछ नई मशीनों को जो है एक्सप्लोर कीजिए, तो इसलिए मैं पूर्णिया आया। तो आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि फिर हमारे दर्शकों के लिए कुछ नई मशीनें होंगी आपके एकदम पास। बहुत सारी है और आपको मैं सारी मशीन अभी दिखाता हूं ले चल के। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरफ है और ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, और चलते हैं देखते हैं आज तेजस्वी सर हम लोगों को क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? आइए, ये पेपर लैमिनेशन मशीन हो गया। जैसे पेपर प्लेट का आप बहुत जगह मशीन देखे होंगे, और बहुत लोगों को रहता है कि पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल हमें सही जगह नहीं मिल पाता है, तो आप रॉ मटेरियल का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसे पेपर प्लेट का लैमिनेशन मशीन कहते हैं, जिसमें ये क्राफ्ट पेपर हो गया। जी जी। इसमें BOPP ऊपर से एडहेसिव की मदद से चिपकेगा और वो रॉ मटेरियल का रूप लेगा। तो ये लैमिनेशन मशीन है। हाँ, अगर आप दो तीन मशीन चला रहे हैं तो खुद का लैमिनेशन मशीन एक बिठा सकते हैं। तो ये आपके यहाँ लैमिनेशन मशीन क्या प्राइस पड़ेगी? ये सर हर रेंज में 90,000 से लेके 6.5 लाख तक का है। अच्छा अच्छा। जो ये मशीन है ये 3.5 लाख की, ये प्लेट वाली मशीन है, देख सकते हैं बहुत हैवी ड्यूटी है। तो ये लेकिन ये तो सर उनके लिए हो गया जो पेपर प्लेट के बिजनेस में है। जी। लेकिन आज आपसे उम्मीद करता हूँ कुछ बढ़िया, एक इंडिविजुअल कुछ अलग हट के दिखाएं, जो कि हमारे व्यूअर्स खुश हो जाएं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पोटैटो स्लाइसर। अच्छा, ये किन चीजों की मशीन है? ये हो गई सर, आपको लेज खाते हैं। अच्छा। केला का भी अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, मतलब चिप्स जो चिप्स खाते हैं इसे कहते हैं। तो यानी कि वो जो चिप्स बनाने वाली मशीन है आपके पास आ गई है? जी सर। ये आलू स्लाइसर, इसमें आलू डाल दीजिए, केला डाल दीजिए, वो स्लाइस होके निकल जाएगा। तो ये सर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये अलग अलग वैरायटी है कि एक ही मशीन के पार्ट्स है? एक ही मशीन के अलग अलग डिवीजन हो गए। अच्छा, जैसे तो बारी बारी से सर समझाइए कि ये जो चिप्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए किन किन मशीनों की जरूरत पड़ती है, ये और ये चारों क्या क्या है? ये हो गया सर आपको स्लाइसर मशीन। अच्छा। जिसमें डायरेक्ट आप आलू डालेंगे तो ये छिलके कटिंग होके बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये आपका आएगा इसमें फ्राइंग पैन में, जहां आपको तेल में वो फ्राई हो जाएगा। उसके बाद ये ड्रायर हो गया, जहां पे जो भी उसमें तेल का अंश रह गया वो निकाल लेना है। और ये हो गया आपका मिक्सर मशीन, ये जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं
टेस्ट में, टोमेटो हो गया, कोई तीखा खोजता है, कोई चटपटा खोजता है, तो ये मिक्सर मशीन का काम करेगा। यानी कि चिप्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो चार चरणों से होके गुजरती है। और तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पहला चरण होगा जिसमें आलू की स्लाइस कटेगी। जी जी। तो इस पे बात आते हैं सर, करते हैं सबसे पहले कि ये जो स्लाइस कटेगी, ये कितने आलू का एक घंटे में स्लाइस कटेगी? घंटे में 60-70 kg आपको स्लाइस कर देगी। स्लाइस कर देगी जी। तो जो स्लाइस करेगी फिर उसे सुखाना पड़ता होगा? हाँ, उसे डायरेक्ट हम ड्रायर में इसमें डाल देंगे, फ्राइंग पैन में। अच्छा, वो स्लाइस कटने के बाद आ जाएगी इसमें? इसलिए फ्राइंग पैन में आ जाएगी। अच्छा, ये फ्राइंग पैन है जी। तो तलना मतलब इसमें तेल वगैरह भी ऐड होता है? जी जी। उसमें कौन सा तेल डालते हैं? यूज करते हैं रिफाइंड तेल जी। अच्छा, तो उसके बाद जो वो निकल गई छन के, उसके बाद ये ड्रायर में चला जाएगा। फिर ये ड्रायर है, इसका क्या काम होता है सर? उसमें जो भी आपका जैसे उसमें ड्रायर का काम हो गया, जिसमें तेल एक्स्ट्रा है, वो सबको वो निचोड़ लेगा कि ज्यादा हाइजेनिक रहे, ज्यादा तेल उसमें ना जाए। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हटा देगा वो। अच्छा, और यहाँ से वो ड्रायर होने के बाद ये मिक्सर मशीन में फाइनल आ जाएगा। ये फ्लेवर मिक्सिंग के लिए है जी सर। इसमें आप जिस तरह का भी फ्लेवर डालना चाहते हैं बेहिचक इसमें डाल दे सकते हैं। इसका फ्लेवर का जो भी फॉर्मूला होगा वो मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। यानी कि एक चिप्स बनाने में दोस्तों देख लीजिए इन चार चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना इसमें से कोई भी एक अगर ना ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगा। कर सकते हैं जैसे अब ये फ्राइंग लेके आप कढ़ाई में कर सकते हैं, तो वो फिर बिजनेस पर्पस नहीं रहेगा। बिजनेस पर्पस, कमर्शियल पर्पस से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको मशीन तो चारों लेना पड़ेगा। तो अब आते हैं सर, तेजस्वी सर बहुत अच्छा, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। और ये बताएं कि इस पर एक सेटअप करने में, अगर मैं अपनी चिप्स बनाकर मार्केट में बेचना चाहता हूं, तो इसको सेटअप करने में क्या खर्च आएगा शुरुआती दौर में? मात्र 1,35,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये टोटली खर्च जो है आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है जी, कि आपको कितना प्रोडक्शन पर आवर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 60-70 kg इसमें स्लाइस हो सकता है, इसका जो पैकेज है वो 1,35,000 से, मतलब पर डे 60-70 kg आवर जी, मतलब पर आवर 60-70 kg स्लाइस जी। वाह, ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन। अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 600-700 kg आपका माल बनके रेडी हो सकता है। तो चारों की कीमत ये 1,35,000 लागत आएगी जी जी। और ये लागत कितने बड़े कमरे से ये शुरुआत हो सकती है? सर 400 square feet काफी है। 400 square feet से शुरू, 20x20 के रूम से आप स्टार्ट। ये सारी बिजली चलित है जी? सारा बिजली चलित है। तो इसमें बिजली की खपत भी बता दीजिए। इसमें सिंगल फेज का यूज होगा, और डेली आप पकड़ के चलिए अगर चारों मशीन यूज करते हैं तो 1.5 से 2, क्योंकि सब में 0.5 HP और 1 HP का मोटर मात्र है जी, और कोई ये नहीं है, और कोई नहीं है कोई। और रॉ मटेरियल तो आलू ही हो, आलू हो गया। अच्छा, एक बात बताएं सर, तो इसमें चिप्स के अलावा कुछ और भी दिमाग लगाना चाहे, केला वगैरह का? केला का चिप्स बन जाएगा, वो भी बन जाएगा जी जी। ये कुछ आइडिया और भी ले सकता है आदमी कि हाँ, उस पैटर्न पे हम डेवलप करें, कर अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो और इसमें जैसे आपने अभी देखा कि मिक्सर ड्रायर सारा चीज है, इसमें केवल एक एक्सट्रूडर मशीन ले लीजिएगा तो आप कुरकुरे आइटम भी बना सकते हैं। अच्छा, वो क्या होता है सर, विस्तार से बताएं? वो कुरकुरे जो खाते हैं टेढ़े मेढ़े कुरकुरे या ट्रायंगल मोटू पतलू, लेकिन वो तो स्लाइस में नहीं रहती, वो तो थोड़ी अलग शेप में रहती है, तो उसके लिए एक्सट्रूडर मशीन लगता है। एक्सट्रूडर हाँ जी। तो उसमें ये स्लाइसर मशीन का काम नहीं होगा, बाकी मशीन आपको अच्छा उसको रिप्लेस करके आप एक्सट्रूडर मशीन लगा लीजिए। एक लगा लीजिएगा तो आपको चिप्स कुरकुरे आइटम भी बन जाएगा, मोटू पतलू रिंग ट्रायंगल ये सब। यानी कि इस पूरे सेटअप से वो चिप्स या कुरकुरे बना सकते हैं, एक लघु उद्योग अपना शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और लोगों को आजकल डिमांड हो गया, आजकल आपके ही हमारे ही बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले 5 रुपए वाले मोटू पतलू खरीदते हैं, चॉकलेट का जमाना चला गया। और सोचिए सर कि 5 रुपए के चिप्स में आलू कितने ग्राम रहता है, जरा ये देखिए, 2-3 ग्राम रहता है, और उस हिसाब से कितना अच्छा मुनाफा आपके हिसाब से सर क्या है, मार्केट में कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप उतर रहे हैं तो 10% का ही आपके पास मुनाफा रहेगा, क्योंकि आप डेली 700 किलो बना रहे हैं जी, तो आपको अगर पैसे 10-5 पैसे पर पैकेट भी बच रहा है तो काफी है, क्योंकि बल्क में हो रहा तो बहुत पैसे हो जाएंगे जी। और मार्केटिंग वगैरह के लिए भी कुछ आइडिया दे सकते हैं सर? जी, मैं मशीन से मार्केटिंग तक कोई भी कस्टमर के साथ रहता हूं, और जो पूर्णिया के आसपास है जैसे कटिहार हो गया, अररिया हो गया, तो उनको मैं सुविधा देता हूं कि आप माल बना के मुझे भी दे सकते हैं, चूंकि ये 30 किलोमीटर पे है जी, तो यहां ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही मामूली सा आएगा, लेकिन इससे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वो ट्रांसपोर्टिंग पे इफेक्ट करेगा। इससे अच्छा है कि वो अपने जगह पे ही माल बेचे, तो उसमें मैं उनको गाइड कर सकता हूं कि कैसे मार्केटिंग किया जा सकता है जी। और सर्विस वगैरह के लिए तो आप पिछले वीडियो में भी बोल चुके हैं, सर्विस के लिए सोचना ही नहीं है, पैन इंडिया में हम लोग सर्विस देते हैं। चलिए सर, ये मशीन आपकी बहुत पसंद आई, इसके अलावा और कुछ नया दिखाइए।
सर ये देखिए, ये हमारे पास सीलिंग मशीन है। सीलिंग मशीन? हाँ। ये क्या, कौन सी मशीन है? ये सीलिंग मशीन हो गया, अगर आप घर बैठे जी कम से कम पूंजी में मात्र 15,000 से 20,000 में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप लस्सी पैक करके, जूस पैक करके, अच्छा, पानी पैक करके ग्लास में आराम से सप्लाई कर सकते हैं। और इसका मार्केटिंग आपको आसपास में अगर रेलवे स्टेशन है या बस स्टेशन है, पाउच मिलता है मार्केट में लस्सी वस्सी का, वो सब बना सकते हैं। वो पाउच नहीं, ग्लास में। ग्लास में? ग्लास में, ऊपर से सील जो होगा। अच्छा, वो ये सील जो होता है सर, ये क्या, वो जो हम लोग पीते हैं लस्सी वगैरह, वैसा सील बोल रहे हैं कि कैसा बोल रहे हैं? नहीं, जैसे आप जो प्लास्टिक में पैक होके आती है, प्लास्टिक का ग्लास में जो पैक होता अच्छा, है प्लास्टिक के ग्लास में जो पैक होके आती है, अच्छा वो चीज। आप जो पाउच की बात बोल रहे हैं उसकी मैं मशीन आपको, अच्छा वो अलग होती है। तो ये आप कोई भी चीज ग्लास में डाल के उसे सील कर सकते हैं, जैसे हम लोग कभी पार्टी वगैरह में पानी वगैरह भी पीते हैं। जी 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 जी, तो वो भी यहाँ तैयार हो सकता है। मैंने वही बताया कि इसमें आप पानी कर लो या दूध मसाला पैक कर लो, लस्सी पैक कर लीजिए, जूस पैक कर लीजिए। और 15,000 मात्र कीमत? मात्र 15,000। ये भी बिजली से चलती है? जी सर। कितना मोटर लगा इसमें? नहीं, इसमें कोई मोटर नहीं है। दिन भर चलाइएगा तो हार्डली 5 यूनिट उठेगा 10 घंटे में। चलिए, तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा। ये 15,000 में एक छोटा सा उद्यम घर से शुरू कर सकते हैं। ये बगल वाली कौन सी मशीन है सर? ये भी सर सीलिंग मशीन है, ये आपने देखा भी होगा काफी जगह। और ये आपको इस टाइप का ड्राई फ्रूट्स, अच्छा अच्छा स्क्रबर वगैरह, स्क्रबर, ड्राई फ्रूट्स, सौंफ, इलायची, लौंग, ये सब पैक कर सकते हैं जी। छोटे छोटे अगर आपको बिक्री करने अपने ब्रांड के तहत, तो आप इसमें पैकिंग पैक कर सकते हैं। इसकी क्या कीमत है? ये सर मात्र 21,000 रुपए की है। 21,000 रुपए की। इस टाइप का इसका पेपर भी आता है जो हमारे पास ही मिल जाएगा। अच्छा जी, ये सारा चीज़ आप देंगे, अब उसमें क्या होगा कि ब्लिस्टर वगैरह तरह तरह की आएगी, तरह तरह की, और उसी हिसाब से डाई लगा के आप पैकिंग पैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया सेक्शन हो गया, देख सकते हैं जी, यहाँ पे बहुत तरह की डाई रखी हुई है, अलग अलग काम आप इन अलग अलग डाई से कर सकते हैं। जी जी, तो इधर इधर सर क्या मशीनें हैं? ये इधर क्या मशीनें हैं सर? सर ये मैनुअल मशीन हो गया, और ये मैनुअल मशीन यूजेस हो गए पेपर प्लेट बनाने के लिए। जी ठीक है, और इसी में मशीन से आप कपूर भी बना सकते हैं। कपूर जो हम लोग आरती में यूज करते हैं जी, जिसे हम लोग कैम्फर भी बोलते हैं, कैम्फर टेबल कपूर, तो इसी मशीन में आपको कपूर भी बन जाएगा और पेपर प्लेट भी बन जाएगा। मैनुअल है? लेकिन मैनुअल मशीन है, देख सकते हैं इसमें डाई लगा हुआ है, अभी रिंकल का जैसे डाई लगा हुआ है। अच्छा, ये नीचे में देखिए दोस्तों, ये मैनुअल वाली है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और छोटे स्केल पे काम शुरू करना चाहते हैं पेपर प्लेट वगैरह का, तो आप ये मैनुअल मशीन से। इसकी क्या कीमत आती है सर? सर ये हर रेंज की है, जैसे ये वाली 27,000 की है। अच्छा, अच्छा। ये 24,000 की है, 21,000 की है, 18,000 की है, 15,000 की तो है। ये ट्विन वन है, यानी कि इसमें कपूर भी बनेंगे? कपूर भी बनेगा। तो पेपर प्लेट और कपूर बनाने की ये जो मशीन है 27,000 की स्टार्टिंग है, मैक्सिमम। देखिए ये छोटी वाली दोस्तों मात्र 15,000 रुपये की मशीन है, जिसमें आप कपूर भी बना सकते हैं और पेपर प्लेट भी बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया, शानदार। तो बाहर भी कुछ मशीनें रखी हुई हैं, चलिए थोड़ी उनसे भी बात करें। अंदर बहुत गर्मी है सर, आज बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ, पूर्णिया में ये होता है, दो तीन दिन काफ़ी धूप होती है। देखिए भाई दोस्तों, आप लोगों के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया कीजिए। और तेजस्वी जी कि जो पूरा ये कैंपस है, ज़रूर एक बार आप आके विजिट कीजिए। और सर आम आम भी होगा अंदर? हाँ हाँ जरूर, आम भी इनसे मांगिए। ये मशीन होगी तो सर ये वाली कौन सी मशीन है? ये हो गई आपको वाटर पाउच मशीन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे। अच्छा, पानी का पाउच जो होता है, जो 1-2 रुपए में मिलता है। अच्छा अच्छा, दूध पाउच कर सकते हैं, तो लिक्विड आइटम, छोटे छोटे लिक्विड जो पैक करते हैं प्लास्टिक के छोटे पाउच। जी जी, उस चीज की मशीन है, मात्र 90,000 में से स्टार्ट है और 1,55,000। तो ये सर सब तरह की पाउच यहाँ पे पैक हो जाएगी? जी सर। कितने ग्राम तक की जो पाउच बनती है इसमें? आप 150 ml से लेके 350 ml तक कर सकते हैं। इस टाइप का पीपी इसमें यूज होता है। अच्छा, अपने नाम से आप इसमें छपा सकते हैं, जो भी आपको अपना ब्रांड चाहिए। अच्छा, इसमें अपना ब्रांड का छपैया करके इसमें लगा दीजिए। लगा वो पैक करके निकालते हैं ऑटोमेटिक, 1 मिनट में 70-75 पीस निकाल देता है। ये तो बड़ा बढ़िया है सर, इसकी क्या प्राइस पड़ रही है? ये 95,000 से स्टार्ट है, 1,35,000-45,000 तक है। साइज पे डिपेंड करता है किस साइज का आप लेना चाह रहे हैं। तो सिंगल फेज में चलेगा दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा पाउच फिलिंग का मशीन है। और मतलब मोटा मोटी 1.25 लाख से ही बिजनेस शुरू हो जाएगा जी, आराम से।
और इस चीज़ की तो बहुत डिमांड है, इसमें कुछ भी भर के अपना लिक्विड में आपका जूस हो गया, लस्सी हो गया, पानी हो गया, कुछ भी आप बेचिए आराम से। करने वाले के लिए सर बहुत कुछ है करने को, और हम दिखाने ही आए हैं, करना ना करना आपके ऊपर है। जी, क्या सर? तबीयत चाहिए, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए। तो चलिए तेजस्वी जी, सामने वो मैं देख रहा हूँ वो क्या है सर? ये बड़ा सा टनल दिखाई दे रहा है। पिछले साल जो कोरोना का आया, महामारी आया था, तो उसमें बहुत सारा डिमांड मेरे पास आया कि ऑफिस में जाने से पहले या स्कूल कोचिंग में जाने से पहले हम लोग सैनिटाइज होके उस जगह पे जाएं। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने ये सैनिटाइजर टनल बनाया। के बाहर सरकारी व्यवस्था भी इस तरह के थी कि इसमें झरना वरना शायद लगा रहता था जी, और लोग पास करते थे, तो ये भी बनाते हैं सर? जी, ये हमने बना के पहला हमारा पटना ही गया था, बिहार की राजधानी पटना। वाह, और अच्छा रिस्पांस आया, काफी दूर दूर मालदा, वेस्ट बंगाल भी भेजा है, हम लोग ने डीएम ऑफिस तक गया है जी। तो ये तो बड़ा कारगर है, क्योंकि सर सुन रहे हैं कि कोरोना का थर्ड वेव फिर आने वाला है। जी जी जी, ऐसे में तो ये चीजों इन चीजों की तो बहुत डिमांड। हाँ, ये बढ़िया, और ये तो एक हमने बना के नमूना इसलिए रखा हुआ है कि आजकल जो है आसपास जो शादी विवाह भी होता है तो लोग इसे इंटरेस्ट से लेके जाते हैं, लगाते हैं कि और इसी से पास करते हैं। मेन गेट ही यही है। कैसे हम लोग एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे, तो ये एक तरह से कोरोना के लिए हो गया। जी जी जी, इसको इसी में से गुजर करके ये लगता है कि ऊपर में इसमें इसी में वो सैनिटाइजर यहाँ से झरने के रूप में गिरता है। दोस्तों करीब से देखिए, तो ये पूरा सेटअप जो है आप लोग इंस्टॉल करके कितने में आप लोग देते हैं सर? ये मात्र 15,000। 15,000 मात्र किसी और भी मॉल, इसी में अगर आपको फंक्शन बढ़ाते चले जाना है तो 27,000 की भी है, 45,000 की भी है, लेकिन बहुत काम की चीज है। हाँ, ये लेकिन मिनिमम 15,000 में हम लोग बना के देते हैं, जो सेटअप देख रहे हैं 15,000 का है। अच्छा, एक और जगह देखा था पंप के सहारे जो है फुट ऑपरेटेड, आइए मैं दिखाता हूं। वो फुट ऑपरेटेड वाला वो भी बनाते हैं जी जी। उससे हो जाता है कि अब मान लीजिए कोई भी इंसान आए है और हाथ सैनिटाइज कर रहा है, हाथ ही लगा दिए तो आप में अगर कोई परेशानी है तो वहाँ चला गया जी। ऐसा चूंकि मैंने यूज किया है, बहुत सारे जगहों पे देखा है, तो इसके जगह पे हम लोग फुट ऑपरेटेड जो सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर मशीन है उसका निर्माण किया है, और यहाँ काफी सारे हॉस्पिटल और बैंक में हम लोगों ने ये दिया है। ये है, ये हर जगह कॉर्पोरेट्स में ये लगी मिलती है, राइट? यही चीज एकदम बहुत इजी जी, या फुट से आप कर लीजिए और यहाँ पे बोतल रहती है। हाँ, हाथ में ले लीजिए और उसके बाद करिए सैनिटाइज कर। तो ये तो ये कितने की है? 999, 1,000 के अंदर। तो ये तो बड़ा अच्छा है, छोटे छोटे दुकान में भी आप रख सकते हैं, रख सकते हैं, और बैंक वगैरह और ये सब में इसकी काफी डिमांड है। ये तो हो गया सर, बहुत बढ़िया बढ़िया मशीन आज दिखाई सर आपने। और मैं आपको शहर के किसानों के लिए कुछ दिखाने जा रहा हूँ, अभी ऐसे ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है। अच्छा, ये क्या है सर? ये ट्रैक्टर कह सकते हैं इसे, छोटा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर जो खेत जुताई करता है तो वो कट्ठों कट्ठों और बीघों बीघों में करता है, एकड़ में करता है। अब जो जिनके घर में आधा कट्ठा या एक कट्ठा जमीन है शहर में, और लोग शौक से बागवानी भी तो कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उसमें हम पालक या लाल साग उगा के खाए, तो ये उस चीज के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक मोटर दे रखा है, और यहाँ पे आपको हल रहेगा। अभी ये अंडर प्रोसेस है, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगा। ये तो ये जुताई का काम करेगी जी। वाह, और पेट्रोल से चलेगा, बहुत ही किफायती, और कोई भी इसको चला सकता है आराम से, कोई भी जेंट्स लेडीज कोई भी। तो बागवानी करने के लिए बड़ा शानदार हो जाएगा, वो झंझट खत्म, जो माली रख करके और आप उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर रखेगा, आपको काम करते थे। तो ये कब तक बन के रेडी होगी? मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। तो इसकी प्राइस क्या है? ये अप्रोक्स आपको आएगा 36,000 के आसपास आएगा। 36,000 में ये आपको कंप्लीट इंजन के साथ और फुल टैंक होके। तो एक घंटे में कितनी जोतेगा ये आपको? एक घंटे में अभी अनुमानता हम लोगों ने देखा है कि ये 900 स्क्वायर फीट की जमीन को जोत देता है। तेल वगैरह भी खाता? पेट्रोल से, ये पेट्रोल से। तो पेट्रोल की क्या खपत? और मात्र आपको 900 स्क्वायर फीट जोतने में 400 ग्राम तेल लगता है। 400 ग्राम तेल मात्र ML। तो बहुत सस्ता है ना? जी जी, क्योंकि जब जुताई करते हैं लोग आमतौर पे, तो वो एक बार में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। जी जी, तो उस चीज़ से तो आराम से लोग बच जाएंगे जी। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, पूर्णिया में ये माधोपाड़ा में है, पहले भी एड्रेस वगैरह और इनसे आपकी बात हो चुकी होगी, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, और इस बार भी कुछ नई मशीनें यहाँ पे थी जिसके बारे में सर ने जानकारी दिया। तो कोई भी और जानकारी चाहिए होगी, कोई नई मशीन के बारे में आपकी डिमांड होगी,
कोई रिक्वायरमेंट होगा तो बेहिचक आप इनसे संपर्क कीजिए, और नहीं है तो सर मंगा भी सकते हैं आप। जी जी। और चले बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग के साथ, एक से एक इन्फॉर्मेशन हम लेकर आपके लिए आते हैं। और गर्मी और सूरज देवता चरम सीमा पर हैं, हम लोग भी पूरे लाल लाल पक्के हो गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।